हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी पढ़े लिखे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। यह वीडियो एक्सेल कोर्स का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बेसिक डाटा एंट्री इन एक्सेल सीखेंगे। सो लेट्स गो। आज हम डाटा एंट्री में रिपोर्ट कार्ड बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। सीरियल नंबर सीरियल नंबर हो गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक मिनट, मान लो हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, तो क्या सबके लिए हम सीरियल नंबर मैन्युअली टाइप करेंगे? नहीं, इसके लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। पहले बैक जाते हैं, सेकंड फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट जूम कर लेते हैं इसको। पहले जूम के लिए हम ऑल्ट, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर वी, फिर जेड। ये शॉर्टकट की है, आपका ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आप छोटा करना है तो आप नीचे जाकर कोई भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसको और बड़ा करना है और जूम करना है तो आप, मेरे को ये 200 पे करना है क्योंकि मुझे जूम करना है, तो मैं 200% सेलेक्ट कर लिया। देन ओके प्रेस करेंगे, ये हमारा जूम हो चुका है। मान लो हमने ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया, फिर हम ये कॉर्नर पे लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको नीचे तक हम ड्रैग करेंगे। मान लो हमने ऐसे करा तो ये अपने आप फिल होके आ जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे होता हमारा 4, तो क्या होता? करके देखते हैं। यहाँ पे जो फिल होके आया है वो है 1 और 4 के बीच का डिफरेंस। पहले भी 1 और 2 के बीच का डिफरेंस फिल होके आया था, अभी 1 और 4 के बीच का डिफरेंस फिल होके आ रहा है। हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका है। अगर हम चाहते कि नहीं, हमें 2 रो को सेलेक्ट करके नहीं करना, तो हम सिंगल रो से भी कर सकते हैं, सिंगल सेल से। उसके लिए हमें फिर से कोने पे आना पड़ेगा और कंट्रोल, अभी तो ये सिर्फ प्लस का दिखाई दे रहा है इस टाइम। अगर आप कंट्रोल करोगे तो एक छोटा सा प्लस उसके साइड में आ जाता है। मैंने हटा दिया, छोटा सा प्लस गया, फिर से मैंने कंट्रोल प्लस प्रेस करा, फिर आ गया, फिर प्रेस करोगे तो आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस, राइट क्लिक और नीचे तक ड्रैग करेंगे, जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक ये सीरियल वाइज फेल हो जाएगी। तो एक और तरीका है, आप सिंपली इसको नीचे तक ड्रैग कर दो और ये कॉर्नर पे जाके क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर दो। ये देखो, ये कॉपी होके आ गया। मेरे को कॉपी नहीं करना, मेरे को सीरियल वाइज फिल करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको बोलते हैं फिल हैंडल। इसमें मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो फिर हमारे पास ऐसा आ जाएगा, कॉपी सेल्स फिल सीरीज। तो मेरे को सीरीज में फिल करना है, तो मैं ये सीरीज में फिल करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। देखो, हमारी सीरीज में फिल होके आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट के। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, ये ना 2 सेल में आ गया है। ये एक ही सेल में, पर ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 सेल में आ गया। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे आएंगे, इसको उठाकर ऐसे प्रेस करेंगे, रेड प्रेस करके, और ऐसे ड्रैग कर देंगे, या आप सिंपली
ऐसे भी कर सकते हो, मैंने ये सेलेक्ट करा जैसे ऐसे था, मैंने ये सेलेक्ट करा ये वाला सेल, और इस रो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेके आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो जितना जितना स्पेस में ये हमारा नाम था उतने में उतने तक के लिए स्पेस दे दिया। तो आप या तो यहाँ पे ले जाने के बाद डबल क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप इस पर प्रेस करके ड्रैग भी कर सकते हो। ड्रैग करने का फायदा कि आपको जितना स्पेस चाहिए, ड्रैग करने का फायदा कि आपको जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस मिल जाता है, और डबल क्लिक करने पे आपको जितने में ये कंटेंट है उतने तक का स्पेस मिलता है। क्लास, फिर रोल नंबर, सब्जेक्ट्स में हम ले लेते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का आधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दूसरे सेल में जा रहा है, तो इसके लिए फिर से हम या तो हम ऐसे कर सकते हैं, दोबारा से यहाँ पे ले जाके डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे वह है तो क्या करेंगे, सब पे ऐसे ऐसे एक एक को हम ऐसे करने नहीं जाएंगे, तो करेंगे क्या, सेलेक्ट कर लेंगे सबको और किसी एक पे जाकर डबल क्लिक कर देंगे तो सब एक साथ हो जाएगा। नहीं तो आप एक और तरीका है, पूरे पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसके लिए कंट्रोल प्लस ए करेंगे, उसके बाद अल्ट प्रेस करने के बाद छोड़ देंगे, फिर उसके बाद एच फिर छोड़ देंगे, उसके बाद ओ उसके बाद आई, ये अपने आप हो जाए। इसमें होता क्या है, मान लो मैंने अल्ट प्रेस करा तो हमें बताएगा कि अल्ट प्रेस करने के बाद ये हम टैब के पास आ गए, आप वन प्रेस करोगे अल्ट के बाद तो ये सेव हो जाएगा, टू प्रेस करोगे तो अंडू हो जाएगा, थ्री प्रेस कर तो रीडू हो जाएगा, एच के लिए आप होम पे जाओगे, इंसर्ट के लिए आपको एन दबाना पड़ेगा, और पेज लेआउट के लिए आपको पी प्रेस करना पड़ेगा। हमें होम पे जाना है तो हमने एच प्रेस करा, तो हमने ये एच प्रेस कर दिया। फिर मेरे को जाना था यहाँ पे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट के लिए यहाँ पे शॉर्टकट ओ दे रखा है, तो फिर मैंने ओ प्रेस करा। फिर मेरे को यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना था, तो मैंने यहाँ पे आई प्रेस करा और ये सब एक साथ हो गया। यहाँ पे हम नेम प्रेस कर लेते हैं, रोहित, रोहन, मोहित, मोहन, जेरी, मैरी, क्लास लिख लेते हैं, क्लास हो गया हमारा 12th। और फिर से मुझे यहाँ तक फिल करना है, तो एक मिनट इसको हम हटा देते हैं, 6 तक ही रखते हैं। तो अब इसके लिए हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल यहाँ पे हम लेके आएंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो जहाँ तक हमारा ये डाटा था पहले वहाँ तक ही अपने आप फिल हो जाएगी। रोल नंबर के लिए मान लो हमारा रोल नंबर है 6030321, तो फिर से हम यहीं पे आएंगे इसी कॉर्नर पे, ये स्क्वायर सब जो बन रखा है, और यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करेंगे आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है ओके।
पर यहाँ पे कॉपी हो गया, ये हमें कॉपी नहीं करना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का अलग अलग रोल नंबर होगा, तो हमें सीरियल वाइज फिल करना है। फिर से हम फिल हैंडल पे जाएंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और फिल सीरीज में चले जाएंगे। तो ये हमारा 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें मार्क्स एंट्री करेंगे, फिजिक्स में कितने नंबर आए, मैथ में कितने नंबर आए। तो अब इसके लिए आपको ऐसे फिल करना पड़ेगा, फिर ऐसे फिल करना पड़ेगा, फिर अलग बार बार आपको यहाँ पे कर्सर लेके आना पड़ेगा, फिर ऊपर कर्सर लेके जाना। इसके लिए आप करना क्या है, आप सारे सेल को सिलेक्ट कर लो जहाँ तक आपको ये मार्क्स एंट्री करना है, उसके बाद आप फिल कर दो मार्क्स। इसमें हमें लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ रही कर्सर को नीचे से ऊपर, अपने आप ये नेक्स्ट रो में चला जा रहा है, नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है। ये हमारा हमने आसानी से फिर अपना मार्क्स एंट्री कर दिया। फिर हम टोटल करेंगे, टोटल सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम टोटल करना सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम टोटल अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।